आपकी और मेरी किस्मत आज बहुत ही अच्छी है। इस मॉनसून के टाइम पे धूप निकली है बड़े दिनों बाद, और चलिए आज कर्सियोंग टाउन देखते हैं। जब धूप अच्छी होती है, सनशाइन डे होता है, तो कितना सुंदर दिखता है ये टाउन। और बड़ी अच्छी और खुशी की बात है कि आज हमें एक बहुत एडिशनल बोनस नेचर ने दिया है कि हम इस मॉनसून में भी कंचनजंगा रेंज की एक, क्या बोलते हैं उसको, एक झलकी देख सकते हैं, एक दृश्य देख सकते हैं। कितना अच्छा लगता है कंचनजंगा देखते हैं। आज धूप निकली हुई है तो मैंने सोचा आपको जो दूसरी तरफ वाला जो है ना, पहले धुंध वाला वीडियो दिखाया था, ये बगैर धुंध का देखिए कितनी सुंदर दिखता शहर। ये देखिए कंचनजंगा दिख रहा है, बहुत लकी है कि कंचनजंगा का दृश्य मिल गया हमको। कंचनजंगा दिख रहा पूरा, हिमालय पर्वत श्रृंखला की गाय वो एक पीक है कंचनजंगा पीक, वो यहाँ से क्लियर दिखता है एकदम साफ। ये टाउन, ये सूर्य भगवान आ जाए हैं बहुत दिन बाद। कंचनजंगा तो देख ही लेते हैं एक बार और। कंचनजंगा अलग 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 तरफ देखने से अलग दृश्य दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ देखने से अलग दृश्य दिखाई देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा ये कर्सियोंग टाउन का दृश्य देखिए। ये नॉर्मली ये पहचान है कर्सियोंग की, ये टीवी टावर की वजह से काफी लोग इसको जानते हैं। ये कर्सियोंग टाउन, सामने कंचनजंगा पर्वत दिख रहा है, थोड़ा नजदीक करते हैं इसको। ये देखिए कंचनजंगा, आज धूप निकली हुई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। छत के ऊपर काई जम गई है इस मकान के। इस पूरे मकान में काई जमी हुई है, ऐसा लग रहा है ग्रीन कलर से पेंट किया हुआ है। छत पे जमी हुई है, ये दीवारें देखिए दीवारों में जम गई है। बरसात होने की वजह से मकानों में से काई जम जाती है। ये भी एक देखने लायक चीज़ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सुबह बजे अभी 7 करीब, और गाड़ियाँ जो ट्रक है वो मेन रोड की तरफ जाना स्टार्ट कर दी है। ये मज़दूर है जो आज दिन की दिहाड़ी के लिए, जैसे चौकटी लगती है वैसे कूली ज़्यादा है यहाँ पे, जो वज़न उठा करके ऊपर नीचे कहीं भी कोई यात्री आएंगे तो जो सामान लेके आएंगे उनको पहुँचाने के लिए आसपास में। वैसे तो गाड़ियाँ हो गई आजकल, और ये स्टेशन की तरफ से टीवी टावर की तरफ ईगल क्रैक की तरफ का जो दृश्य हुआ है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बहुत सुंदर दृश्य है। ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसे अनटच्ड एरिया जैसा फील आएगा। फिर थोड़ा सा लेफ्ट में चलते हैं ये, और दोबारा एक बार जिनकी वजह से ये शॉट्स मिलते हैं उनको धन्यवाद देते हैं अपन। ये हमारे सूर्य भगवान, थैंक यू वेरी मच बॉस। ये टाउन, ये रेलवे स्टेशन का हिस्सा है, खूब सारी रेलवे लाइन है यहाँ पे, और यहाँ पे जब ट्रेन लेफ्ट राइट किधर स्टेशन से बाहर निकल के जब उसको जाना होता है तो यहाँ पे
डायरेक्शन चेंज करने के लिए ये जगह यूज़ की जाती है। सामने आपको रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है, पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये टाउन में जो छोटी छोटी दुकानें होती है सुबह सुबह नाश्ता वगैरह करने के लिए, गाड़ियों में जो लोग आते हैं उनके लिए, ये छोटी छोटी दुकानें हैं। ये जो बाहर सामान लटक रहा है इसको नामलो बोलते हैं, जिसमें सामान डाल के ले जाते हैं, और ये अंदर हमारे कुली भाई है नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दार्जिलिंग की ट्रेन। ये 4864 फुट सी लेवल से ऊपर है, और ये हमारा छोटा सा प्यारा सा रेलवे स्टेशन। ये देखिए पानी की सप्लाई लाइन। ये देखिए स्मार्ट लग रहा है एकदम।